नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है अभी तक जो है जनरल साइंस में जो है जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, और उसमें जो है हम लोग पोषण पढ़ लिए हैं। पोषण में स्वपोषण और परपोषण मैंने बताया था। उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, फिर प्रोटीन पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग वसा पढ़े। वसा में ही हम लोग कल जो है डिस्कस किए थे कोलेस्ट्रॉल के विषय में। तो अब जो है उसी के संदर्भ में, यानी कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पढ़ चुके हैं। अब उसी की श्रेणी में हम लोग विटामिन को पढ़ते हैं। विटामिन्स ये जो है हम लोग विटामिन के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यह है निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करिए, और जो उसमें कमी रहे आप उसे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में उसको जो है सुधार सकूं, और जहां ना समझ में आए आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैंने बताया है कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, और जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाता है वो सब जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं कि डिस्क्रिप यानी कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया है। तो आइए हम लोग जो है विटामिन शुरू करते हैं। तो ये जो विटामिन शब्द है इसका जो है सबसे पहले प्रयोग जो है जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम फंक था। ये है, और उसके बाद जो है इसकी खोज जो है वो ल्यूनिन ने की थी। इसकी खोज ल्यूनिन ने की थी। अब अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन होता क्या है? तो ये भी एक तरीके का कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि जिसमें जो है कार्बन हमारा पाया जाए। और हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी चाहे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें वो भी कार्बनिक यौगिक, क्योंकि उसमें भी कार्बन पाया जाता है, और उसके कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट में तो कंपोजिशन की बात किए थे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उसमें भी था, और प्रोटीन में अतिरिक्त एक था नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, और फिर हम लोग वसा में भी पढ़े थे कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही था। इसमें भी ये भी कार्बनिक यौगिक ही होता है, यानी कि इसमें भी कार्बन जो है कहीं ना कहीं वो एक तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। अब अगर हम इसके बाद बात करें इसके कार्य की, तो ये जो है यह हमारे शरीर को जो है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। हमारे शरीर को ये ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। तब ये क्या करता है अगर ये ऊर्जा नहीं प्रदान करता, बल्कि ये हमारे शरीर का जो है रेगुलेटर है, एक तरीके से नियंत्रक है। नियंत्रक का मतलब यह है कि यह जो है हमारे शरीर में जो है ये जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाओं को जो है ये शुरू करता है। उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है, ये प्रारंभ करता है या उन्हें नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत जो है जब हम भोजन खाते हैं उसके खाने के प्रारंभ से लेकर जो है उसके पाचन तक जो है ये सभी क्रियाएं जो है उपापचयी क्रियाओं में आती हैं। या अगर इसकी हम स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करें तो हम लोग जो भोजन खाते हैं वो जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और उपापचयी क्रियाओं के द्वारा क्या होता है वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटता है। तो इन सब में जो है ये विटामिन जो है एक नियंत्रक की तरह कार्य करता है।
और इसके विषय में जो है ये है कि जो है ये अगर कोई भी एंजाइम है अगर वो निष्क्रिय है, अगर एंजाइम निष्क्रिय है तो विटामिन क्या करता है, इस एंजाइम को क्या बना देता है, सक्रिय बना देता है। और एंजाइम क्या होता है, एंजाइम भी एक तरीके से प्रोटीन होता है, प्रोटीन से बने होते हैं, तो उनको जो है सक्रिय करने का काम कौन करता है, विटामिन। यानी कि विटामिन जो है क्या कार्य करता है, ये हमको पहली बात तो ऊर्जा नहीं देता है, ये हमारे शरीर में जो है उपापचयी क्रियाएं जो है उनको नियंत्रित करता है या उनका सही तरीके से संचालन करता है। ये ऊर्जा भले ना देता हो लेकिन इसकी जो है हमारे शरीर में नितांत आवश्यकता है। अगर विटामिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो तमाम रोग जो है से मनुष्य जो है वो ग्रसित हो सकता है। इसी वजह से विटामिन अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग जो है विटामिन के प्रकार की बात करते हैं। अगर हम विटामिन के प्रकार की बात करें तो विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है जल में घुलनशील और दूसरा है जल में अघुलनशील। देखिए अभी हम लोग जितने भी विटामिन पढ़ेंगे तो उसको जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है जो है जल में घुलनशील या जल में अघुलनशील, या इसी को हम लोग कह देंगे कि ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगर जल में घुलनशील नहीं है तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है, और जो वसा में घुलनशील है वो क्या क्या है, ए डी ई और के, यही है। ये जो है जल में, ये वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील है। अब इसको याद करने के लिए जैसे अब इसको आप दिमाग में ऐसे बैठा सकते हैं कि विटामिन सी है ये किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नींबू में। और नींबू क्या है, जल में कैसा है, नींबू जल में घुलनशील होता है। तो आप वहाँ से इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि विटामिन सी जो है ये घुलनशील जल में होता है, यानी नींबू घुलनशील होता है जल में। इस वजह से क्या हो गया कि ये जो सी है ये जल में घुलनशील हो गया। और यहाँ पे देखिए डी का जो है सबसे प्रचुर स्रोत माना जाता है, ये सूर्य का प्रकाश माना जाता है। और ऐसा याद कर लीजिए सूर्य का प्रकाश जो है वो जल में विलीन होगा नहीं, घुलनशील होगा नहीं। तो इसे ये केवल दिमाग में बैठाने के लिए है, बाकी आप चाहे जैसे भी याद कर सकें। तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है, और ये ए डी ई और के ये जो है वसा में घुलनशील होता है। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे जो है विटामिन्स की, प्रत्येक विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है विटामिन ए की बात करते हैं। मैं इसका जो रासायनिक नाम जो है ऐसे लिख देता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। और देखिए विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है ये हम बात कर लेते हैं। जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं निषांधता। कभी कभी इस नाम से पूछ लेता है निषांधता क्या है, या इसको हम लोग रतौधी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसकी 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 इंग्लिश की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस, ये पहला रोग हो गया विटामिन ए की कमी से, जो इसमें याद करने वाली बात है, ऐसा पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, निसांधता या रतौंधी। इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, और निशा प्लस अंधता, यानी कि निशा मतलब होता है रात, और अंधता मतलब कि दिखाई ना देना, तो वही निसांधता है। और अगर विटामिन ए से ए की कमी से बात करें, तो एक रोग होता है जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया, इसको हिंदी में भी जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, थैल्मिया। अब ये कौन सा नया रोग है, इसके विषय में तो आप लोग जानते ही हैं, रहता हूँ रात को नहीं दिखाई देता। अब ये जीरोफ्थैल्मिया क्या है, जीरोफ्थैल्मिया जो है वह ऐसा रोग है जिसमें जो है लैक्रिनल ग्रंथि एक होती है, अभी मैं बताऊंगा कि ये कौन सी ग्रंथि होती है, लैक्रिनल ग्रंथि, ये जो है ठीक से काम नहीं करती या सूख जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो आंसू है वो नहीं निकलते, यानी कि आदमी रोना चाहे पर रो ना पाए। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप ऐसा देखे नहीं होंगे, बहुत ये अमूमन होता है कि बहुत से लोग अंदर से दुखी तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको जो है वो रो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनके आँखों के आंसू जो है वो सूख चुके हैं, यानी कि जब वो रोते हैं तो वो जो है आंसू उनके आँख से नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनकी लैक्रिनल ग्रंथि जो है वो ठीक से काम नहीं करती, इस वजह से आंसू जो है वो सूख जाते हैं उनकी आंखों के। और अब अगर हम इसके स्रोत की बात करें, यानी कि ये किस में पाया जाता है, तो विटामिन के लिए तो सबसे बेहतर यही है कि दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सभी क्या हैं, ये विटामिन के साथ प्रचुर स्रोत हैं। इसके अलावा जो है वो पत्तेदार सब्जी हो गई, इसके बाद अगर कुछ है तो वो गाजर है, इसके बाद आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सभी क्या हैं, विटामिन ए के जो हैं ये प्रचुर स्रोत हैं, यानी कि इनमें जो है भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और इसके संदर्भ में एक बात और जान लेना आवश्यक है, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा विटामिन यकृत में जो है कुछ देर के लिए संचित होता है, वो विटामिन हमारा ए है, कुछ देर के लिए संचित होता है। तो इतनी जानकारी हो गई आपकी विटामिन ए के संदर्भ में, यानी कि इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है, और ये यकृत में कुछ देर के लिए संचित होता है, तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया दो प्रमुख रोग होते हैं। रतौंधी से आप लोग नया नाइट ब्लाइंडनेस से आप लोग परिचित ही हैं, और दूसरा है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया ये जो है इसमें क्या होता है कि लैक्रिनल ग्रंथि यहाँ पे होती है कॉर्नर पे, वो जो है ठीक से काम नहीं करती, इस वजह से क्या होता है कि जब हम लोग रोते हैं तो हमको जो है हमारी आंखों से अश्रु जो है वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो एक तरीके का रोग है। और इसके स्रोत की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें दूध, मांस, मछली, अंडा, ये तो लगभग सभी में पाया जाता है, पत्तेदार सब्जी भी इसी में है, इसमें जो प्रमुख है वो गाजर है, आम है, अमरूद है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हम लोग विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन बी की बात जो है हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि विटामिन बी में जो है कई विटामिन हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, उसके बाद B5 है, B6 है, उसके बाद B9 है, B7 है, B12 है,
तो विटामिन बी को हम लोग कल देखेंगे, अब इसके बाद देखते हैं विटामिन सी, जो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिक एसिड। ये है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। आप इस रोग से जो है इसको बैठा सकते हैं दिमाग में कि एस्कार्बिक एसिड, उसी से संबंध देखिए स्कर्वी भी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये जो है, ये पहली बात तो ये जो है मांस में नहीं पाया जाता है, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं नॉन वेज विटामिन। इसका एक नाम और है नॉन वेज विटामिन, नहीं वेज विटामिन होगा ना, क्योंकि ये मांस में नहीं पाया जाता ना, ये किसमें पाया जाता है, ये रसीले और खट्टेदार फलों में पाया जाता है, खट्टेदार फलों में। और देखिए ये क्या होता है, ये विटामिन सी जो है ये गर्म करने पर जो है ये नष्ट हो जाता है, गर्म करने पर क्या होता है ये नष्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो अपवाद है वो आंवला है, यानी कि आंवला को अगर हम लोग गर्म करेंगे, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अगर आंवला को गर्म करेंगे तो उसका विटामिन जो है, विटामिन सी जो है उसमें से वो नष्ट नहीं होगा। अब इसकी बात करें तो पहली बात तो ये खट्टेदार फलों में पाया जाता है, और अगर सर्वोत्तम प्रकार का इसमें जो है, सर्वोत्तम प्रकार का विटामिन सी जो है वो किसमें पाया जाता है, हरी मिर्च में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हरी मिर्च जो है खूब खाना चाहिए, अब इतना भी ना खाया जाए कि जिससे दिक्कत हो, लेकिन हरी मिर्च में क्या है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इससे क्या होगा कि जो स्कर्वी का मतलब होता है कि मसूड़ों में सूजन, जो दांतों से खून वगैरह निकलता है वो नहीं निकलेगा, दांतों से खून क्या होगा वो नहीं निकलेगा ना। तो ये है हरी मिर्च में ये जो है सर्वोत्तम प्रकार का विटामिन सी पाया जाता है, और ये मांस में नहीं पाया जाता, इस वजह से इसको हम लोग वेज विटामिन भी कहते हैं। इसका एक नाम वेज विटामिन है, और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कार्बिक एसिड होता है। अब हम लोग जो है विटामिन डी की बात करें, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग विटामिन डी की बात करते हैं, अगला जो विटामिन है वो विटामिन डी है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सी फेराल होता है। कैल्सी फेराल, अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो सबसे पहला रोग तो है रिकेट्स। रिकेट्स जो में क्या होता है कि जो पैर हैं वो धनुहाकार हो जाते हैं, और पैर अगर धनुहाकार हो गए तो वो जो है उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप देखे होंगे जैसे धनुष नहीं होती, ऐसे कुछ पैर बेंड करके उनका हो जाता है, तो ये होता है। और इसके अगर हम लोग स्रोत की बात करें तो ये जो है दूध, मांस, मछली, अंडा में तो पाया ही जाता है, और इसके साथ साथ ये जो है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जो है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा देरी तक कौन सा विटामिन टिकता है, सबसे ज्यादा देरी तक हमारे शरीर में कौन सा विटामिन टिकेगा। देखिए क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में जो है
पाया जाता है विटामिन। तो हमारा शरीर जो है सूर्य के पर जब हम लोग जब हमारे या जब हमारा शरीर जो है सूर्य का प्रकाश पाता है तो वो विटामिन डी का संश्लेषण कर देता है। इसी वजह से इस यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा देर तक टिकता है, तो वो है विटामिन डी। अब हम लोग जो है विटामिन ई की बात करते हैं, या एक और रोग इससे होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो मुलायम और हड्डियां मुलायम और कमजोर हो जाती हैं, मुलायम और कमजोर हो जाती हैं। ये जो है उस रोग का नाम जो है ऑस्टियो मलेशिया है। तो आप ये दो रोग जो है याद रखिएगा, ये पहला रिकेट्स है ये जो महत्वपूर्ण है, और ये दूसरा रोग है ऑस्टियो मलेशिया। और ये सूर्य के प्रकाश को आप याद रखिएगा कि विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अब हम लोग अगले विटामिन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अगला है विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेराल। और इसको एक नाम से और जाना जाता है ब्यूटी विटामिन। और विटामिन ई की जो कमी से जो रोग होता है वो है नपुंसकता, या इनफर्टिलिटी। और इसका जो स्रोत है वो मांस मछली अंडा दूध, मैंने बताया था कि लगभग सभी में होता है। और इसके अलावा जो है जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें जो है ये ब्यूटी विटामिन या बेज बिटा ये ब्यूटी विटामिन या विटामिन ई जो है वो पाया जाता है। और अगला जो विटामिन है वो है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग अगले विटामिन की बात करेंगे जो विटामिन हमारा के है। विटामिन के इसका जो रासायनिक नाम होता है वो नेफ्थो क्विनोन या फिलोक्विनोन। ये इसका रासायनिक नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का जो है वो देरी से बनता है। और इसका जो स्रोत है वही मांस मछली अंडा दूध और गाजर टमाटर। अब देखिए रक्त का थक्का अगर देरी से बन रहा है तो उसके उससे इससे क्या नुकसान हो सकता है? जैसे अगर अगर आपकी कहीं जो है किसी भी वजह से जो है आपके सर शरीर से रक्त निकलने लगा, तो अगर ये विटामिन के की कमी रहेगी तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा, तो आपका जो ब्लड का है वो जल्दी क्लाट नहीं होगा, जिससे खून बहना बंद नहीं होगा, तो उससे जो है आपके शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आज हम लोग जो है विटामिन के सेगमेंट में हम लोग ए विटामिन ए सी डी ई और के ये पढ़ चुके हैं, और हम लोग विटामिन बी जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें जो प्रमुख रूप से है वो विटामिन का नाम, उसका रासायनिक नाम क्या है वो पता होना चाहिए, इसकी कमी से क्या रोग होता है, और जो इसके स्रोत हैं वो मांस मछली अंडा दूध ये सभी जो पत्तेदार सब्जियां हैं ये सब ये लगभग जो है सभी विटामिन में पाया जाता है। तो जो याद रखने वाली बात है उसका रासायनिक नाम और जो उसकी कमी से होने वाले रोग ये प्रमुख हैं। तो
तो हम जो है अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो में जो कमी रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसकी पीडीएफ के लिए जो है आप विवेक शक्ति नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे जो है जुड़ सकते हैं, या उसका ये लिंक है। आप इस माध्यम से जो है वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और जो है इसकी पीडीएफ कॉपी जो है आप वहाँ से ले सकते हैं, और वीडियो में जो कमी रहे उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।